उर्दू गुलदस्ता, जमात सात, सबक नंबर 13, नन्ही बूंद का हौसला। एक बार ऐसा हुआ बरसात में, सर्द लंबी घप अंधेरी रात में, एक नन्ही बूंद आंख मिचती हिचकिचाती सांस अंदर खींचती, छोड़कर बादल का पहलू जब चली, दिल ही दिल में सोचकर डरने लगी, ये भयानक रात और लंबा सफर, रास्ता भी कुछ नहीं आता नजर, क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं, फिर न कुछ अपना पता भी पाऊं मैं, ये भी मुमकिन है मिलूं मैं खाक में, मौत बैठी हो न मेरी ताक में। उसने फिर सोचा कि किस्मत में लिखा, जो भी होगा सामने आ जाएगा, सोचकर अंजाम अपना क्यों डरूं, डर के मैं मरने से पहले क्यों मरूं, क्या जरूरी है गुरों में रेत पर, ये भी मुमकिन है गिरूं मैं खेत पर, खार पर गिरने से मुझको क्यों हिरास, ये भी मुमकिन है बचाऊं भिजाऊं उनकी उसकी प्यास, बूंद ने छोड़ा खुदा पे फैसला, उसके दिल में हौसला पैदा हुआ, उनके बेपरवाह खुशी में झूमती आ गई दरिया पे, उसमें से उससे जा मिली थी, उसी दरिया में एक सीपी खुली, बूंद उसमें जा गिरी मोती बनी। अजमत जावेद की ये नज़्म है नन्ही बूंद का हौसला, यानी इसके बूंद के ज़रिए बताया गया इंसान को हमेशा हौसले के साथ अपने ख्यालात को मुस्बत रखना चाहिए, ताकि उसे ज़िंदगी में कामरानी और कामयाबी से सरफराज हो। और यहाँ पे ये शौक की तशरीह बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की गई है। मरकज़ी ख्याल इसका इंसान इस नज़्म के ज़रिए शायर कहता है, इंसान को अपने हौसला हमेशा बुलंद रखने चाहिए, काम करने से पहले उसे देखा अंजाम देने से पहले डरना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा करके काम शुरू करने से नतीजा बेहतरी होता है, जैसा कि इस नन्ही बूंद के साथ। मशक़ी सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, नन्ही बूंद बादलों के पहलू से निकलकर क्यों डर रही। नन्ही बूंद बादलों के पहलू से निकलकर इसलिए डर रही थी कि गिरने के बाद उसका अंजाम क्या होगा। नन्ही बूंद ने क्या सोचकर हौसला बढ़ाया। नन्ही बूंद ने सोचकर अपना हौसला बढ़ाया, किस्मत में लिखा होगा वही हो। हौसला पैदा होने पर उसकी क्या कैफियत हुई। हौसला पैदा करने पर वो बेखौफ और ख़ुशी में झूमती हुई दरिया में जा गई। नन्ही बूंद का अंजाम क्या हुआ। नन्ही बूंद सीप में गिरी और मोती बन गई। उम्मीद है कि आपको ये नज़्म पसंद आई होगी, और अगर अभी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।